हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एक मामला चला हुआ कि शिक्षा क्या उसके उपभोक्ता मतलब कमीशन मतलब कंज्यूमर कमीशन में आता ही नहीं, क्योंकि वो जो मामला है किसी एक आदमी का है जिसका बेटा स्विमिंग पूल में मर गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉलेज व स्कूल की मतलब नेग्लिजेंस के कारण, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा मामला अलग हो गया, लेकिन कहीं कहीं शिक्षा के मामले ऐसे होते हैं, जैसे कि हम एक कॉलेज के केस स्कूल के केस पढ़े तो जैसे कि सिम्बोसिस लॉ कॉलेज है कोई नोएडा में था, ठीक है, या कोई एक दो और पढ़े थे मैंने मेडिकल के, तो आप काफ़ी इस तरह केस पढ़ सकते हैं जिनमें अदर करिकुलम ना हो, सीधा वो पढ़ाते हैं आपको और उसमें कोई आपको मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया ना हो, या जो कोर्स बताया हो वो आपको ना प्रोवाइड करके कोई और कोर्स दे दिया हो, या कोई और अदर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि आपकी फ़ीस आपसे ज़्यादा मांगी जा रही हो, जो आपको फ़ीस बताई गई थी कम बताई गई थी लेकिन आपको ज़्यादा अब मांग रहे हैं, या उन्होंने कोर्स बताया था कि आपको एडवांस सिखाया जाएगा लेकिन नहीं सिखा रहे, या आपको समय पर अपनी जो क्लास टाइमिंग थी वो नहीं मिल रही, या आपके सर्टिफिकेट थे वो आपके जब्त कर लिए गए हैं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा, तो ये सभी मामले आप कंज्यूमर कमीशन में लेके जा सकते हैं। साथ के साथ आप इस मामले को परमानेंट लोक अदालत PLA कहते हैं जिसे, आप वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से मामले होते हैं जो हम PLA में लेके जा सकते हैं? उपभोक्ता में जैसे कि हम कोई मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा टॉप आएगा हमारे, आप हमसे यहाँ से कोचिंग लीजिए, ठीक है, आपका बच्चा टॉप आएगा। और वो बच्चा टॉप आया नहीं, एक लड़की का ऐसा केस था, ठीक है, उसके बाप ने मतलब फादर ने केस किया था उसके ऊपर, क्योंकि वो लड़की को पहले मतलब कहा गया था कि वो टॉप करेगी, लेकिन अदर सेमेस्टर में भी से मतलब पैसे ले लिए गए और कहा गया कि हाँ पक्का टॉप करेगी, ये केस का लिंक मैं आपको दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो लड़की ने टॉप नहीं किया, उसके अदर मतलब जो सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट में फ़ीस ली गई थी, तो उसने ये कहा कि भाई जब वो पहले ही सेमेस्टर में फेल हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के मैनेजर ने कहा था कि नहीं हम आप पूरा ध्यान देंगे आपकी बेटी फेल नहीं होगी, ये है वो है, लेकिन वो अभी भी फेल होगी, तो उसके फादर ने कहा क्यों हमसे फ़ीस ली गई, तो इसलिए उसके ऊपर मतलब जो वहाँ का इंस्टीट्यूट था उसके ऊपर केस फाइल किया गया और उसके रिफंड भी उसको मिला विद मुआवजा विद कंपेंसेशन। तो ऐसे काफ़ी मामले होते हैं जो अदर करिकुलम नहीं है, जैसे कि अदर करिकुलम कौन से होते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया या कोई स्मार्ट क्लासेज हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसको छोड़ अभी तो उसके ऊपर मुद्दा चल रहा है कि वो उसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे शिक्षा के अंदर, लेकिन जो ये सीधा साफ मामला है जैसे कि हमें किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट में मामले लिए, या किसी भी मतलब भाई किसी भी हमने जो सीखने की इरादे से लिया कहीं भी जगह अपना मतलब एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज स्कूल में और वो अच्छी तरीके से मतलब पढ़ा नहीं रहे हैं, या कोई आपको अदर मतलब वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, जो उन्होंने वादे किए थे वो आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप ये परमानेंट लोक अदालत में भी केस फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर कमीशन में भी केस फाइल कर सकते हैं, और आजकल ये जो मामले हैं आप ई दाखिल के थ्रू ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन हियरिंग हो जाएगी और जो रिस्पोंडेंट पार्टी मतलब दूसरी पार्टी है उसका आपको जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं, उसका जो जवाब देना है आपको जो हियरिंग होगी जो आर्ग्यूमेंट होगा जो एविडेंस देने होगी वो भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। आपको यदि हमसे केस फाइल करवाना है यदि PLA में या कहीं भी कंज्यूमर कमीशन में, तो आप हमसे भी फाइल करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कुछ और आपके कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और साथ में आपको हम अपनी ईमेल आईडी जरूर दे देंगे ताकि आप हमें कॉन्टैक्ट कर पाएँ। इसके अलावा आप हमें जो सोशल मीडिया है FB ट्विटर लिंक्डइन इंस्टाग्राम और अदर जो भी सोशल मीडिया है आप हमें जरूर सब्सक्राइब फॉलो करिएगा, वहाँ पे जरूर आप हमें वहाँ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो वहाँ ऑप्शन नहीं होता, फॉलो का ऑप्शन होता है, लाइक का ऑप्शन होता है, जरूर करिएगा। और जैसे कि जो आप हम पेज मतलब जहाँ आप हमसे ये वीडियो के मतलब नॉलेज ले रहे हैं तो वहाँ आप जैसे कि ये जो हमारा चैनल है इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा, साथ में आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं।